हेलो वंस अगेन, हेलो, एम आई ऑडिबल? एक बार रिस्पांस करिए, चैट में यस नो करके कुछ लिखिएगा। सभी लोग सुन पा रहे हैं? कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया? एके प्लेयर, विपिन, शिखा गुप्ता, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है आप सभी को मेरी? चलिए, आई विल स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सबसे पहले कुछ बातें। यस सर, आ रही है आवाज़ आपकी? आ रही है। मृणाली, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अग्रवाल जी, अनिष्का, विपिन, सचिन, चलिए शुरू करते हैं क्लास। आपको मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ तो मायसेल्फ कृष्णकांत मोदी, आई विल बी गोइंग टू केटर योर करंट अफेयर्स। जो सब्जेक्ट है करंट अफेयर, ये हम बात करेंगे, जिसके अंदर में बच्चा हम करंट अफेयर्स जब डील करेंगे तो हमारा तरीका सिंपल रहेगा। अभी ये रिविजन सेशन है तो हम बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स पे फोक, आप चाहते हो मैं बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स पे फोकस करूँ या ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करवा दूँ? व्हाट यू वांट सर? हमको कंसेप्ट भी समझने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू, क्योंकि व्हाट माय एक्सपीरियंस से कि करंट अफेयर में एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करके अगर हम जाते हैं तो हम एक बेटर पोजिशन में होते हैं। मैं अगर आपको बोलूँगा कि बैठ के रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, आप लोग हेडलाइंस देखो, वो सब देख, आप लोग नहीं करोगे ये सब, बट वही अगर एमसीक्यू पैटर्न में मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका आंसर क्या होगा तो वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है हमारे रिवीजन के लिए कोप अप करना। सर बोथ करवा दो, ठीक है, बोथ बोथ एमसीक्यू, बोथ एमसीक्यू कंसेप्ट, बोथ बोथ ज़्यादा कह रहे। चलिए, इट विल बी अ हेल्दी मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। बट शुरुआत के दो से तीन दिन हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, विल हैव बोथ, ठीक है, विल हैव अ बैलेंस्ड ऑफ एमसीक्यू एज वेल एज कंसेप्ट एज वेल। बट यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आजा आजा बच्चा, ध्यान दे, हो गया सब, सेटल हो जाओ। तो यहां पर अभी हम जब बात करेंगे तो बेटा आप लोगों को जो लाइव एमसीक्यू अटेंड करना है, आप लोगों ने लाइव एमसीक्यू अटेंड करना है। लाइव एमसीक्यू के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी। अभी हम शुरुआत में बुलेटिन जो होते हैं, आईसीएसआई आप लोगों को बुलेटिन इशू करता है जिसके अंदर में कुछ हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं, पहले हम वो बुलेटिन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बुलेटिन के एमसीक्यूज हम आज देखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर मंथ के देखेंगे हम। 8th और 9th मंथ के एमसीक्यूज आज हम कैटर करने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये एक लाइव एमसीक्यू का लिंक रहेगा, आपको आप वहाँ नीचे जाएंगे वो डिस्क्रिप्शन के, तो वोटिंग लिंक के अंदर में आप जाए, मल्टीपल विंडोज ओपन करना चाहे तो आप मल्टीपल विंडोज ओपन कर ले, या आप सिर्फ इस मिंटीमीटर पर आना चाहे तो आप आ सकते हैं, जिसके अंदर में यू कैन वोट लाइव घर से बैठे बैठे। जो बच्चे नहीं कर पा रहे वोट या जिनको नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। कमान हरी अप, लॉग इन करिए। जैसी जैसी ये देखिए, कुछ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, एक बच्चा हमारे साथ जुड़ गया है, दिख रहे हैं दो बच्चे जुड़ गए। डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक है, उससे फटाफट आप लाइव एमसीक्यू ज्वाइन करिए। आप चाहो तो यूट्यूब पे रहे, आप चाहो तो YouTube पे ना रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स मोर। सर कहाँ होगा लॉगिन? तो आप वोट कर पाएंगे, लाइव वोट कर पाएंगे मेरे साथ में। मैं यहाँ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप घर बैठे बैठे जवाब देंगे। इट विल बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग यू, जहाँ आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितने करंट अफेयर्स के बारे में अवेयर है और कितने नहीं हैं। तो उस सब को जानने के लिए, उस सब के लिए आप लॉग इन करिए। चले, 10 स्टूडेंट्स हो गए तो मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, फिर आप बीच में से भी जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ज्वाइन इन बिटवीन एज वेल। चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकेंड दिए जाते हैं आपको आंसर्स पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर्स टिक करना है। मोबाइल पर ही आप आंसर टिक कर सकते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, मोबाइल में आप देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट
रिफर्बिश्ड जेनी बैंक हैज बिन एस्टैब्लिश्ड इन विच नेशन? सर कोड क्या है? जो बच्चे लोग कोड पूछ रहे हैं, कोड यहाँ लिखा हुआ है 4903432, 4903032। जिन बच्चों के लिए वो कोड मांग रहा है बेटा, कोड यहाँ लिखा हुआ है 4903032, 4903032। यस, आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से इट कैन वर्क, किस तरीके से इट विल वर्क। तो जिन बच्चों ने नहीं जोड़ा है अब तक के, जिन बच्चे अब तक लाइव नहीं जुड़े हैं एमसीक्यू के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लीडर बोर्ड चेक करते हैं। 7 बच्चों ने सही जवाब दिया है आउट ऑफ 12, 7 स्टूडेंट्स हैड गिवन द राइट आंसर। करेक्ट आंसर वॉज इंडिया, जिसमें से फास्टेस्ट थी खुशी, तनय एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं आपका स्कोरिंग रहेगा, इट विल वर्क कि भाई यस हम टॉप 10 में आते हैं या नहीं। आगे बढ़े यहाँ से। अब आई होप एक आइडिया आ गया, एक आइडिया आ गया है तो फटाफट चैट में यस लिख दीजिए। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस आवर एमसीक्यू। आप घर 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 बैठे बैठे आप घर बैठे बैठे लाइव मेरे साथ आंसर्स करेंगे एंड विल बी गेटिंग रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। रोज हमारा टारगेट रहेगा 20 से 25 एमसीक्यू या 30 एमसीक्यू, जैसे भी डिपेंड करता है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, शुरुआत में हम ई बुलेटिन देख रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ने जो इशू किया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आंसर सही आने भी चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू रेड ई बुलेटिन, जस्ट से चैट में मी एक बार, कितने लोगों ने ई बुलेटिन पढ़े रखे हैं? ई बुलेटिन पढ़ते हैं आप लोग, तो एक बार चैट में मी लिख दीजिए। चलिए तब तक हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। रेडी 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 स्टेडी गो। What is the reading of RBI's first financial inclusion index of 2021? Financial index का reading क्या रहा 2021 का? पहला पहला ये सब आपके ई बुलेटिन में। फिर आपको लगता है कि सर इंस्टीट्यूट कहां से क्वेश्चन पूछता है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन आपको आ सकता है। The correct answer is 53.9. Correct answer क्या आपका 53.9. Next, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 5 बच्चों ने कुछ सही जवाब दिया था। लीडर बोर्ड में पोजीशन चेंज होगा। Let's see what is it say. Again, खुशी was the fastest. तनमय, दीक्षिता, रिकी पिछले क्वेश्चन का पूरा बदला लेंगे बोले हम। उन्होंने सही जवाब दिया है। They have come on top 3-4. Next, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। जस्ट फास्ट अब रेडी होते जाइए। ई बुलेटिन कहाँ मिलता है मैं आपको लेक्चर के बाद समझा दूंगा, ठीक है, दिखा दूंगा लाइव ई बुलेटिन कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट वाज़ द थीम फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2021? इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त। साल में 2 बार इंडिया आजाद नहीं हुआ था, याद रखना, एक रिपब्लिक डे है। हैं जी, जिनको जो नहीं ज्वाइन कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, चैट में आंसर्स लिखो। जो ज्वाइन नहीं कर पाए वो चैट में आंसर्स लिखो, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं कर पाए लाइव एमसीक्यू में, ज्वाइन नहीं कर पाए वो लोग चैट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द थीम फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2021? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट वॉज द थीम। आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर लोगों को सुनाई में यही आ रहा है, बहुत समय से चली रहा है आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर नहीं, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, बिकॉज ऑफ गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए भी, और वी आर गोइंग टू प्रमोट जो हमारा स्वदेशी के तरफ हम बढ़ रहे थे, बायकॉट चाइना एंड एवरीथिंग, उसको ध्यान में रखते हुए नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। द लीडर बोर्ड सेज, लीडर बोर्ड क्या बोलता है बच्चा इस थर्ड क्वेश्चन के बाद में? दीक्षिता वॉज द फास्टेस्ट, सेकेंड पोजीशन गेन कर लिया उन्होंने, फॉलोड बाय खुशी, चलो सॉरी खुशी देन दीक्षिता। अगला सवाल, चौथा सवाल, अब सबके सामने ये रहा। विच स्टेट होस्टेड इन्वेस्टर समिट ऑन अगस्त 13, 2021? कमान हरियप, जो लोग मिंटी में नहीं जुड़े हैं वो लोग यहां पर भी मेरे को लिख कर आंसर्स बता सकते हैं, YouTube पे भी, YouTube के चैट पे भी आंसर्स लिख सकते हैं। यस,
एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात. गुजरात ने होस्ट किया था इन्वेस्टर समिट इन अगस्त 13th अगस्त 2021. नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने, पर उसके पहले लीडर बोर्ड में देख लेते हैं. आई थिंक दीक्षिता विल गेट द लीड, बट दिव्या वॉज द फास्टेस्ट. दीक्षिता गॉट द लीड फॉलोड बाय अंकुश देन खुशी. चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल आप सबके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. इंदौर नहीं बेटा, इंदौर नहीं, इंदौर. आईसीसी प्लान्स टू बिल्ड फॉर क्रिकेट इंक्लूजन इन विच एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम. क्रिकेट विल बी इंक्लूडेड इन ओलंपिक, ऐसा चल रहा है कोट. कौन से ओलंपिक्स? द करेक्ट आंसर इज 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक, जो 2028 का एलए में होना है. उस ओलंपिक के लिए आईसीसी वोट कर रहा है कि क्रिकेट को भी ओलंपिक में इंक्लूड किया जाए. नेक्स्ट, हो सकता है एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने अभी बहुत जल्दी हाल ही में एक मेडल यानी गोल्ड मेडल और कुछ मेडल्स जीते थे, तो हो सकता है ओलंपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि क्रिकेट को इंक्लूड कहां करना है करके. नेक्स्ट, अगला लॉस एंजलिस 2028 में. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया. तो पता ही होगा, आ तो पता है होगा. लेट्स सी वाव मोमेंट आता है क्या, क्या सभी के सभी इसका सही जवाब दे पाते हैं, हमार बीच उपस्थित सारे बच्चा लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं. नहीं, तीन जन हैं जिन्होंने गलती कर दी. द करेक्ट आंसर इज नीरज चोपड़ा. जैवलिन थ्रो के अंदर में उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया था. नेक्स्ट लीडर बोर्ड देखते हैं क्या रहा पोजीशन. हु वाज द फास्टेस्ट? फास्टेस्ट वाज दीक्षिता मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजीशन, गुड. अगला सवाल अब सबके सामने ये रहा. इंडिया टोटल मेडल टैली स्टूड एट हाउ मच एट टोक्यो ओलंपिक. इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे इंक्लूडिंग सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. गोल्ड तो जीता ही है. यस, एक देखिए 2021 नहीं 2020 ही था, पोस्टपोन्ड होके वो कंडक्ट 2021 में करवाया गया, बट उसको 2020 ही ओलंपिक कहा गया है. टोक्यो 2020 ओलंपिक कंडक्ट अभी किया गया है क्योंकि वो कोविड के तहत पोस्टपोन्ड होते आया था. बेटा एक बच्चे का कहना है कि सर ये तो 2021 था ना, तो कंडक्ट 2021 में हुआ नहीं, वो एक साल पोस्टपोन्ड हुआ, बट उसको बोला गया है 2020 ओलंपिक ओनली. क्लियर है सभी को? इंडिया हैड वन 7 मेडल्स इन 2020 टोक्यो ओलंपिक बोलेंगे उसको, 2020 टोक्यो ओलंपिक. क्लियर है अनिश बेटा, कोई डाउट नहीं है? यस, कंडक्ट 2021 में हुआ है, बट ये 2020 का पोस्टपोन्ड होकर 21 में कंडक्ट हुआ है, तो इसको बोला टोक्यो 2020 ओलंपिक ही था. ठीक है, नेक्स्ट. थैंक्स टू चंदू चाइना ना, एक साल पोस्टपोन्ड हो गए थे ओलंपिक. दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द वाज द फास्टेस्ट, बट दीक्षिता स्टिल मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजीशन. अगला सवाल अब सबके सामने तड़कता भड़कता पेस है. वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेलेबल रोड इन विच यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट बीआरओ ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. एंड द करेक्ट आंसर इज लद्दाख. लोग जाते हैं ना बुलेट राइड के नाम पे लद्दाख, दैट इज व्हाट द रोड दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, नेक्स्ट अगला. सचिन
was the fastest with Dikshita still maintaining the leaderboard position followed by Ankush. Next. अगला सवाल है आपके सामने. ऐसा घबराओ मत, अभी 21 सवाल बाकी है, बहुत मौके मिलेंगे आपको कवर अप करने के लिए. What is the name of new digital payment solution launched recently by PM Narendra Modi? Come on, are you fast? Put your answers. करेक्ट आंसर इज ई रूपी. ई रूपी करके एक उन्होंने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है जिसके तहत आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट. अभिषेक वॉज द फास्टेस्ट विद दीक्षिता स्टिल मेंटेनिंग द लीडरबोर्ड पोजिशन 4930443. अच्छा, इसने कोड ही लिख दिया है यहाँ पे, नाम की जगह कोड ही डाल दिया है. ठीक है ठीक है. फॉलोड बाय अंकुश. अगला सवाल. सो हाउ टू प्रिपेयर इफ यू डोंट नो द आंसर्स. ये जितने भी क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ नोट्स की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही दूंगा. ऐसे भी ये ई बुलेटिन है, आप डाउनलोड कर सकते हो. इसको प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो. आप करंट अफेयर की कितनी भी न्यूज पढ़ने बैठोगे नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो. That is the best way to prepare for current affair. ठीक है. Who overtook Jeff Bezos to become the world richest man as per Forbes real time billionaire list on August 6, 2021? So that was Bernard Arnold and family. Next. Elon Musk last year हुए थे वो, इस साल नहीं. अगर आपको पता है क्या, फोर्ब्स मैगजीन सिर्फ बिजनेसमैन को इनकॉर्पोरेट करता है अपनी लिस्ट के अंदर में, नॉन बिजनेस या नॉन एंटरप्रेन्योर पर्सन को नहीं. देखा जाए तो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इज नॉट जेफ बेजोस. गूगल करना आपको मिलेगा. व्लादिमीर पुतिन इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बट ही इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ पॉलिटिकल फिगर. तो इसलिए उनका नाम आपको देखने नहीं मिलेगा वर्ल्ड रिचेस्ट, ये जो लिस्ट का है ना इसने. व्लादिमीर पुतिन कौन है? फोर्ब्स मैगजीन जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को अपनी लिस्ट में लेता है, पॉलिटिकल पर्सनल्स को नहीं. इवन अर्नॉल्ड जो है यूएस के जो गवर्नर, वो सेनेटर भी रह, गवर्नर और सेनेटर समथिंग रह चुके हैं, जो हमारे मूवी में भी आते हैं कमांडो एंड एवरीथिंग, तो वो भी जेफ बेजोस से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, बट अगेन ही इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, इसलिए उनका नाम ये लिस्ट में नहीं आता है. बट ठीक है, जाने दो, आगे बढ़ते हैं. हम आगे बढ़ते हैं. नहीं डाल सकते ना ऐसे भी पॉलिटिकल फिगर्स के नाम, कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रिटर्न टू ऑनर विच इंडियन स्पोर्टिंग लेजेंड. प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ना, व्लादिमीर पुतिन. ठीक है ठीक है ठीक है. यस, द करेक्ट आंसर इज ध्यानचंद. ये बचपन से चलते आ रहा है सवाल कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है. तो यस, ध्यानचंद हॉकी प्लेयर, राइट. नेक्स्ट. शुभम वॉज द फास्टेस्ट. दीक्षिता आई थिंक विल स्टिल मेंटेन द लीडरबोर्ड पोजिशन. अंकुश सेकेंड नंबर पे आ गए वापस. अगला सवाल ऐप सब की सामणी. जो बच्चे लोग YouTube लाइव पे देख रहे हैं, मिंटी पे ज्वाइन नहीं हुए आप बेटा, डिस्क्रिप्शन में भी आंसर, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, चैट में भी आंसर्स लिख सकते हैं. जिनको नहीं पता कि लाइव एमसीक्यू कैसे ज्वाइन करना है, चैट में लिख दो. जो लाइव एमसीक्यू ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइव वोटिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यस, राम मंदिर कब दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा? तो जवाब है दिसंबर 2023 में उसका इनॉग्रेशन, इट विल बी ओपन टू जनरल पब्लिक. नेक्स्ट.
ये दीक्षिता ई बुलेटिन पढ़ के बैठी हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए अगला सवाल आप सबके सामने। आज क्लास के बाद बताऊंगा मैं ई बुलेटिन कहां से मिलता है, आप जाकर देख लेना आज उसको, ठीक है। इंडियाज फोर्थ अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च फॉर विच स्टेट? उत्तराखंड, द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट, अमीषा वॉज द फास्टेस्ट। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट हैज बिगेन इट्स मेडन सी ट्रायल्स? इंडिया में बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर? INS विक्रांत है, करेक्ट आंसर इज INS विक्रांत। अभी इंडिया के दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। अगला सवाल यही है कि थर्ड एयरक्राफ्ट बनाना, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना या नहीं बनाना, उस पर डिबेट चल रहा है, ठीक है। बट इंडिया हैज टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स नाउ। नेक्स्ट, अगला सवाल, उसके पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं। सचिन वॉज द फास्टेस्ट, दिव्या स्टिल मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजिशन। सचिन, खुशी, इन्होंने कुछ लीड हासिल की है ओवर अदर। नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने ये रहा। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है अनाउंस एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड? इसको फुल स्क्रीन कर दे क्या, देखने में आसानी हो जाए आपको। केरला, कौन सा स्टेट ने अनाउंस किया हुआ है एजुकेशन एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड? केरला ने, ठीक है। एजुकेशन को लेके दे सीरियस। हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी कहां से है, केरला से ही। दीक्षिता स्टिल मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजीशन। अंकिता वॉज द फास्टेस्ट टू गिव द करेक्ट आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी हमारे सितंबर के हमने ई बुलेटिन देखना है। अभी अगस्त देखा है हमने, अभी हम सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ई बुलेटिन कहाँ से मिलता है मैं बता दूंगा, ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मदद हो जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ई बुलेटिन से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो यू विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कुछ क्वेश्चंस के लिए। 5 से 10% तो आप समझ के चलिए वहां से आ जाएंगे सभी सब्जेक्ट मिला के। हु चेयर द 13 ब्रिक्स समिट वर्चुअली? पीएम नरेंद्र मोदी, किसने किसने चेयर किया था उसको, 13 ब्रिक्स समिट को? इंडिया, नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिए थे, गुड, शाबाश। फास्टेस्ट वॉज खुशी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बेबी रानी मौर्य हैज सबमिटेड हर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, शी इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, ठीक है।
उत्तराखंड के दो जवाब है जो ई बुलेटिन में है. एक तो फर्स्ट अर्थक्वेक ऐप जो है वो उत्तराखंड में लगाया गया है, एंड जो गवर्नर जिन्होंने रिजाइन किया हुआ है वो भी उत्तराखंड के हैं, वे भी रानी मौर्य. सचिन वॉज द फास्टेस्ट, ही गॉट ऑन द सेकेंड, ही गॉट ऑन सेकेंड ऑन द लीडर बोर्ड यानी दीक्षिता के बाद सचिन है. अगला सवाल एफ सिप की सामनी. हु बिकेम द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर टू विन अ पैरालंपिक मेडल. करेक्ट आंसर इज सुहास यथीराज. कौन रहे? सुहास यथीराज ने फर्स्ट आईएएस ऑफिसर टू बिकम टू विन पैरा ओलंपिक मेडल है. ठीक है, अमीषा वॉज द फास्टेस्ट. लीडर बोर्ड पे अभी भी पोजीशन मेंटेन करके चल रहे हैं दीक्षिता जी, फॉलोड बाय अंकुश, देन सचिन. अगला सवाल है आप सबके सामने. लास्ट 12 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. ठीक है, अभी भी आप कवर अप कर सकते हो. एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ विच इंडियन स्टेट. करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के उनको इकोनॉमिक एडवाइजर करके अपॉइंट किया गया. ठीक है, 12th का क्या था सर? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. कोई बात नहीं बेटा, वीडियो पीछे करके देख लेना. अभी मेरे को बहुत पीछे जाना पड़ेगा, उससे बेटर है आप वीडियो पीछे कर लेना. ठीक है, गुड प्रेरणा. तनिष्का वॉज द फास्टेस्ट. नेक्स्ट, अगला सवाल. दो ही बच्चों ने जवाब दिया सही. ऐसा ऐसे विच इंडियन स्पेसक्राफ्ट हैज कंप्लीटेड 9000 ऑर्बिट अराउंड द मून. 9000 चक्कर मून के लगा के बैठ गया है. कौन है? बैठ नहीं गया, चल रहा है, अभी भी चल रहा है. चंद्रयान 2. द करेक्ट आंसर इज चंद्रयान 2. नेक्स्ट, अमीषा वॉज द फास्टेस्ट. नेक्स्ट, अगला सवाल है. Which three nations have been admitted as a new member of New Development Bank? Last exam में New Development Bank ने अच्छा खासा लोन दिया था, इस पे questions पूछे गए थे. Asian Development Bank और New Development Bank इंडिया में खूब लोन दिया इन्होंने, ये सवाल पूछे जा रहे थे. अब ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि who has been admitted as a member of New Development Bank. The correct answer is UAE, Bangladesh and उरुग्वे. ये तीन को हमने नी मेंबर करके ऐड करवाया न्यू डेवलपमेंट बैंक में. नेक्स्ट, आशीष वॉज द फास्टेस्ट. खुशी ने कुछ लीडर टॉप थ्री में आ गए. खुशी यानी दीक्षिता, अंकुश एंड खुशी. सचिन नीचे हो गए. आप बदला लेना है, बदला. डॉक्टर
फिरदौस सी कादरी वॉज नेम्ड एज वन ऑफ द फाइव विनर्स ऑफ 63rd रमाव मोगोशियाई अवार्ड शी बिलोंग्स टू विच नेशन द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश ठीक है नेक्स्ट Divya was the fastest. Dikshita is still maintaining the leaderboard position. First Indian women to win gold at Paralympics. And G, the correct answer is not Bhavina Patel, it is Avani Lekhra. Do hi bachche, dekho, ye halat hai hamari institute ke e-bulletin ke questions ke jawab hum nahi de pa rahe. Socho. Tanishka was the first. Do hi jan ne jawab diya tha, usme bhi Tanishka top 3 mein aa gayi, ek sawal ka sahi jawab deke. Usse top 10 mein to the hi wo. Theek hai. Last 7 questions. Which state launched Save Water to get free water scheme? Goa. Goa में किया गया है कि पानी बचाओ और पानी पाओ, ठीक है? Yes, I'll take this quiz daily. ये रोज होगा आपका आने वाले 20-25 दिनों तक. Dikshita was the fastest, maintaining the leaderboard position. When will the BH series number plate be introduced? BH Bharat, right? BH. The correct answer is September 15th, September 2021. Next. Which was the fastest? Top 3 mein thoda close takkar shuru ho gaya hai abhi. Dekhte hain. Aadhe aur ek question ka hi difference hai. लास्ट 5 क्वेश्चंस में क्या हो सकता है यू नेवर नो इट्स ऑल फ्रॉम लेटेस्ट ई बुलेटिन यस शुभम इट्स ऑल फ्रॉम लेटेस्ट ई बुलेटिन जो हम ई बुलेटिन सॉल्व कर रहे हैं सितंबर मंथ का लास्ट मंथ का ई बुलेटिन सॉल्व कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं ना ई बुलेटिन कहां से डाउनलोड कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस वेट करो ई बुलेटिन अच्छा लो करंट अफेयर्स के तो मैंने क्लास में करवा देने हैं अभी बट वॉट अबाउट अदर सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट का ई बुलेटिन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अभी मैं बता दूंगा आपको हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात तो भूपेंद्र पटेल इज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नेक्स्ट अगले सवाल Amisha was the fastest. Dikshita still able to maintain the leaderboard position, followed by Tanishka and Khushi. Senior BJP leader Kalyan Singh passed away at 89. He was served twice as the chief minister of which state?
He served as the Chief Minister of Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश के दो बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, अभी नहीं, पहले। अमीशा वॉज द फास्टेस्ट, दीक्षिता स्टिल मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजिशन, फॉलोड बाय तनिष्का, देन खुशी। अगला सवाल आप सबके सामने ये रहा, विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना? इंडिया, करेक्ट आंसर इज इंडिया। इवन ये रिसेंट न्यूज है कि टेस्ला और एप्पल 2022 तक अपने प्लांट इंडिया में शुरू करने वाले हैं, अभी आजकल का ही न्यूज है वो। तो एप्पल के फोन्स आपको शायद इंडिया में सस्ते मिल जाए फिर। अंकुश वॉज द फास्टेस्ट बट टॉप थ्री अभी भी अपनी लीडर बोर्ड पोजिशन मेंटेन करके हैं। चलिए अगला सवाल, RBI has introduced financial inclusion index. What is the base year of FI index? नो बेस ईयर, इसको कोई बेस ईयर नहीं होता है, फाइनेंशियल इंडेक्स को कोई बेस ईयर नहीं होता है, ठीक है। अमीशा वॉज द फास्टेस्ट, टॉप थ्री अभी भी लीडर बोर्ड पोजीशन लेके चल रहे हैं। हाँ, शुभम, यस यू आर राइट। देखिए, बोलने के लिए इंडिया जो है वो सेकंड चॉइस बन रहा है आफ्टर चाइना, बट मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टू वियतनाम रादर देन प्रिफरिंग इंडिया। बट अभी इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो, ऐसा नहीं है, इंडिया की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे बताया ना, एप्पल टेस्ला इंडिया में आने वाला है अगले साल। वॉट नेम हैज इंडियन गिवन टू इट्स ऑपरेशन टू वैक्वेट सिटीजन्स फ्रॉम चाइना? फोर्ड ने तो पुल आउट करने का कारण ये था कि उनका गाड़ी गाड़ी में कोई दम ही नहीं था उनका, चल कैसे रहा था इंडिया में, वही बहुत मुश्किल है। ऑटोमोबाइल के लिए थोड़ी दिक्कत है, वैसे भी हम ऑटोमोबाइल में जो डीजल वेरिएंट वगैरह हैं उन लोगों को अभी डिसकंटिन्यू करना चाह रहे, ई व्हीकल की तरफ बढ़ना चाह रहे, तो ई व्हीकल इज द फ्यूचर, ये ध्यान में रखते हुए जो इलेक्ट्रिक ई व्हीकल कंपनीज है दे आर कमिंग टू इंडिया, दैट इज द रीजन टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया। कितने मंथ, एक मिनट, पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लेता हूँ मैं, फिर सभी सवालों के जवाब देता हूँ। ऑपरेशन देवी शक्ति वॉज द नेम गिवन बाय इंडियंस टू इवैक्युएट सिटीजन फ्रॉम अफगानिस्तान। तालिबान के टेक ओवर के बाद में इंडियंस को वहां से जो इवैक्युएट किया गया था उसका नाम ऑपरेशन देवी रखा गया था। आई होप क्लियर है सभी को यहाँ तक। दिस वेयर ऑल 30 MCQs ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। लीडर बोर्ड पोजिशन देखते हैं आज के विजेता कौन उभर के आए हैं। अमीशा वॉज द फास्टेस्ट बट दीक्षिता हैज वन टूडे, तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षिता। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ, दोज हू वॉन्ट टू डाउनलोड ई बुलेटिन, आप ई बुलेटिन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? जस्ट डू वन थिंग, गूगल पे सर्च करिएगा ई बुलेटिन बाय ICSI। सबसे पहले ही आ जाएगा आपका CSET ई बुलेटिन ICSI, जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिएगा। हमें CSET का बुलेटिन चाहिए, राइट? तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो कितना है, सितंबर मंथ का न्यूब दिखा रहा है वो, सितंबर, अगस्त, जुलाई एंड जून, जुलाई ये सब, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, पिछले 6 महीने के ई बुलेटिन आपको एप्लीकेबल होते हैं। कितने बोल रहा हूँ मैं, पिछले
6 महीने के, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सितंबर का ये बुलेटिन है। ई बुलेटिन में क्या क्या होता है ध्यान दीजिए। ये आपका इंडेक्स है, एक मैसेज फ्रॉम प्रेसिडेंट है, ठीक है, देखना है देख लीजिए। एंड ओवरव्यू ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, द सिनेरियो ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, करंट अफेयर। तो ये जो करंट अफेयर का पेज नंबर 13 है, आप लोग नहीं पढ़ते, मुझे पता है ये आप लोग नहीं पढ़। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, एक 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 करके चलते हैं ना। तो इसके अंदर में देयर सम थ्योरी विच इज़ ऑल्सो कवर, जैसा ये प्रेसिडेंट ऑफ ICSI ने क्या मैसेज दिया है उसके बारे में ये आ जाएगा आपका। देन ओवरव्यू ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, इसके ऊपर में जो ई बुलेटिन में कवर किए गए कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर में सवाल आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। द सिनारियो ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया के बारे में दिया हुआ है कि फॉरेन बैंक्स की हालत क्या है, कौन से फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं, क्या क्या वर्किंग एंड एवरीथिंग, जस्ट गो थ्रू दैट। ये आपके कोई ना कोई सब्जेक्ट में कवर होता ही होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ लिया हुआ है। जैसा कि हम करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है जो हम पढ़ भी रहे थे, पैरा ओलंपिक में कौन मेडल जीता, किसने, ये दिया हुआ ना, लिस्ट ऑफ इंडियन मेडलिस्ट एट टोक्यो पैरा ओलंपिक September 5, 2021। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्री मोदी हैज बीन हिस्ट्री ऑन द इंडियन स्पोर्ट्स फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक, विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस, ही सेड एवरी मेंबर ऑफ आवर कंटिनेंट इज अ चैंपियन एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, उन्होंने बोला है वगैरह। तो इसमें ये ठीक है, जो भी पैराग्राफ नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उस पर सवाल शायद ही पूछे, बट यहाँ पे दिख जाएगा आपको। सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो के अंदर में मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। प्रमोद भगत मेन्स सिंगल SL3, एंड ये सब जो है किसने कितने मेडल्स जीते हुए और कौन सा मेडल जीते हुए उसकी लिस्ट है, ठीक है। फॉर डिटेल्स आप लोगों को एक वेबसाइट भी दी हुई है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स, आपको याद है इसके ऊपर में भी हमने अभी क्वेश्चंस देखे थे, सितंबर के अंदर में हमने ये क्वेश्चंस देखे थे। तो इंस्टीट्यूट ऐसा कोई बहुत बाहर से सवाल नहीं पूछता है, सारा मटेरियल सारा इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रखा होता है, बट फिर भी हम उसको रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर के बारे में दिया हुआ है, जो फाइनेंशियल इंडेक्स नंबर है, RBI डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन पॉलिसी अनाउंस द वेरियस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन पॉलिसी मेजर्स ऑन April 7, 2021। वन ऑफ द मेजर वॉज टू कंस्ट्रक्ट द पीरियडिकल पब्लिश अ फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स। अकॉर्डिंगली द RBI इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स ऑन August 17, 2021 टू मेजर एंड इम्प्रूव द एक्सटेंट टू द एक्सेस ऑफ यूसेज एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। एंड इट एक बार जस्ट गो थ्रू दैट, आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स का फाइनेंशियल इंडेक्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है एंड कंप्राइजेज ऑफ क्या क्या होता है वगैरह वगैरह, पैरामीटर उसका डिफाइन किया हुआ है, जो हमने क्वेश्चन देखा था 53.9 एनुअल FI इंडेक्स फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन March 2021 वॉज 53.9। हमने पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन नंबर में देखा था आज हमने, तो वो यहाँ दिया हुआ है एज अगेंस्ट टू 43.4 फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन March 2017। ये पूरा पढ़ना है, हाँ आप लोगों के लिए ई बुलेटिन पूरा पढ़ना है। मैंने तो ये करंट अफेयर्स के बारे में बताया, बट उसके अलावा भी जो है उसका कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन बाय, वो सब पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने हर पेपर वाइज आपको MCQ दिए हुए होते हैं। मैंने तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस ले लिए, बट पेपर वन जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है इसके अंदर में कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके आंसर्स भी दिए होते हैं। एट लास्ट मैं दिखा दूंगा आपको, आंसर्स भी दिए होते हैं कुछ अराउंड 35 क्वेश्चंस है जो आपके पेपर वन के अंदर में इन्होंने कवर किए हुए हैं। लीगल एप्टीट्यूड एंड LR, बेटा इसमें से ही आता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 5 से 10% का पेपर आपके पिछले 6 करंट अफेयर यानी जो बुलेटिन है ई बुलेटिन से आ जाएंगे ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। 10% अगर हम बात करें तो इट इज़ अ ह्यूज परसेंटेज ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो ई बुलेटिन से आ जाएगा तो हम करना चाहिए ई बुलेटिन की छोड़ के आना चाहिए, क्या है 80% ऑफ यू आर नॉट डूइंग दिस। बेटा गलत सही पे हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बट गलत होस्ट होंगे ये बोल के तू ये बुलेटिन ही नहीं पढ़ेगा वो तो गलत है ना। और इंस्टीट्यूट ने जो आंसर्स दिए हमको वही लिख के आने पड़ेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना ठीक है। विच अमेंडमेंट, ये जो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर में क्वेश्चंस दिए हुए आप लोगों को, अराउंड 35-36 के बाद से नंबर शुरू हुआ था ना इसका, तो 35 क्वेश्चंस आपको उसमें दिए हुए। उसके बाद में इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर में क्वेश्चंस दिया हुआ है पेपर 3। देन हमारा करंट अफेयर आ जाता है 106 से लेके करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो आज हमने क्लास में डिस्कस किए 15 क्वेश्चन है। याद है आपको हु चेयर्ड द 13 ब्रिक्स समिट वर्चुअली, दैट वाज नरेंद्र मोदी, हमने किया है ना, इसके आंसर्स लिखे।
तो ई बुलेटिन कहाँ से डाउनलोड करना है समझा है तो एक बार फटाफट यस लिख दो चैट में, उसके बाद में यहाँ आपको लास्ट में क्या मिल जाएंगे उसके आंसर्स। सर सिर्फ क्वेश्चन सही है, आंसर सर्च करने पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, विश्वास रखो सही है, इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। हाँ जिसमें आपको कन्फ्यूजन लगता है वो सर्च कर लेना, बट आई एडवाइस, आई स्ट्रांगली एडवाइस कि इंस्टीट्यूट के जो की आंसर्स है उसी पे स्टिक रहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जब उनके पेपर में अगर कॉपी पेस्ट होंगे तो आंसर यही वाला कॉपी पेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज मत करिए। 6 महीने के पढ़ना है सर, हाँ लास्ट 6 मंथ्स की बुलेटिन आपको पढ़ के जाना है। ये तो अभी हमने जो देखा ये सितंबर का देखा, उसी तरीके से आपको यहाँ पर अगस्त का भी देखने को मिल जाएगा। ये रहा अगस्त का ई बुलेटिन है आपका, आई होप आपको समझ में आया। जिसमें आप देख सकते हो अगेन मैसेज फ्रॉम प्रेसिडेंट, यूसेज ऑफ एब्रीवेशन है, कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करंट अफेयर का एक थ्योरी दिया हुआ है। सर एग्जाम के 2 दिन पहले अगर पंजाब का सीएम चेंज हो गया है तो क्या लिखना है? देख बेटा बात समझ, ये जो हमारा 30th डेट गया हुआ है हमारा सितंबर का, वो कट ऑफ डेट है, वहाँ तक के करंट अफेयर्स आपका एप्लीकेबल है, अक्टूबर नवंबर ये सब आपको करंट अफेयर्स एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। वो लोग जो भी सितंबर हुआ है हमारा वो कट ऑफ डेट है, 30th सितंबर तक जितने चेंजेस जो हो गए वो हो गए, वही आप लोगों को एप्लीकेबल रहेंगे, उसके बाद कोई भी चेंजेस हो इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है क्या सभी को? वो अगले एग्जाम में चले जाएगा, वो फिर पीएम चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, पीएम बोल रहा हूँ, सीएम चेंज हो जाए आपका पंजाब का, तो भी वो नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट एग्जाम साइकिल में एप्लीकेबल रहेगा। और कोई दिक्कत? 6 मंथ्स के ही क्वेश्चन आएंगे क्या? यस 6 मंथ्स के ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत करंट अफेयर बोला तो फिर तो बहुत बड़ा हो सकता है, बट यस इंस्टीट्यूट 6 मंथ पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है और कुछ? कल मिलते हैं फिर। करंट अफेयर 6 महीने का पढ़ना है, एक ही सवाल घुमा घुमा के पूछ रहे नालायक को, करंट अफेयर्स आपको 6 महीने के ही पढ़ने हैं, अक्टूबर से सितंबर इंक्लूडिंग लास्ट 6 मंथ्स, यानी वो जाएगा आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, अप्रैल से लेके सितंबर तक आपको पढ़ना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए कल हम शुरू करेंगे, हम ई बुलेटिन ही डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया आने वाले 2 दिनों तक वी आर गोइंग टू डिस्कस ई बुलेटिन, कहां से डाउनलोड करना है, क्या करना है, ये सब मैंने आपको बताया है। आई होप आप लोग वो डाउनलोड करके पढ़ के आएंगे। बेटा 3 महीने के मत करो ई बुलेटिन, एटलीस्ट 6 महीने के करो ई बुलेटिन, 6 महीने के करो। सर क्वेश्चन ई बुलेटिन से ही आएंगे क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ई बुलेटिन से 10% के 5 से 10% के क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि क्वेश्चन ई बुलेटिन से ही आएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ ई बुलेटिन इंपॉर्टेंट है, उसको कर कर जाना। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि सिर्फ ई बुलेटिन करके जाना, ठीक है? सर क्या ई बुलेटिन से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है? यस ई बुलेटिन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, 10% मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, किस्मत अच्छी रही तो 15 से 25% के क्वेश्चन भी आते हैं, टेकिंग ऑल सब्जेक्ट टुगेदर, सिर्फ मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चारों सब्जेक्ट चारों पेपर मिला के। चलिए बाय। और BML आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, जब भी आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाले 25 दिनों तक के रेगुलरली आपके रिविजन्स इस चैनल पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तुषार सर आपके साथ हमेशा है, पवन सर है, मैं है, इशिका मैम आपके साथ हमेशा रहेंगे टू कंडक्ट क्लासेस ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ओके बच्चा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ई बुलेटिन आज घर पे जाओ, नहीं पढ़ा है तो डाउनलोड करो और पढ़ लो।